और क्या हालचाल है मेरे शेयर लोग, सब कुछ बढ़िया ना। तो दोस्तों आज एक ऐसा स्मार्टफोन मैं आपके लिए लेके आया हूं ना, जिसके प्राइस और स्पेसिफिकेशन सुन के, प्राइस तो आपको पता चल ही गया, स्पेसिफिकेशन सुन के आप लगभग पागल हो जाएंगे। तो रहने दो फिर। ना नहीं, ऐसे पागल नहीं, खुशी से पागल हो जाएंगे। ओके। मतलब इस फोन के अंदर कुछ ऐसे ऐसे फीचर्स भी मौजूद है जो कि 10-15 हजार के फोनों में भी बहुत बार नहीं मौजूद होता, और ये फोन रिप्रेजेंट करता है इन्फिनिक्स जी। तो आइए देखते हैं एक छोटे से इंट्रो के बाद इन्फिनिक्स ने क्या धमाल मचा दिया। वैसे फोन का नाम है इन्फिनिक्स हॉट 12 प्ले। दोस्तों सबसे पहले मैं तो आपको यह बताना चाहता हूं कि फोन जो है वो काफी टॉल है, डिस्प्ले साइज में आपको बताऊंगा, लेकिन पहले आपको डिजाइन सुन लेना पड़ेगा। डिजाइन आपको यहां पर पॉलीकार्बोनेट का मिलता है, इन्फिनिक्स का जैसा टिपिकल डिजाइन होता है थोड़ा बहुत वैसा ही है। थोड़े बहुत टेक्सचर्स आपको पीछे के साइड में देखने के लिए मिलेगा, और रेयर माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर आपको इस फोन में देखने के लिए मिलता है। क्लियर? ओके। दोस्तों यहां पर आपको एक बड़ा डिस्प्ले मिलता है, पता है कितना? 6.82 इंच का एक HD+TFT डिस्प्ले मिलता है जो कि 90 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ आता है। जी हाँ, इसी के साथ साथ इसके अंदर आपको 180 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट भी मिलेगा, 480 निट्स की पीक ब्राइटनेस भी मिलेगी, और डिस्प्ले जो है वो आती है पंचोल के साथ। जैसे कि आपको पता है कि पंचोल जो है वो बड़े बड़ी कंपनियां 10-15 हजार के फोनों में नहीं देती, स्पेशली वीवो का तो यू नॉच, मतलब वीवो ने उसको माता जी का टीका की तरह यूज करना शुरू कर दिया हर एक फोन में उसको। क्या जो भी है, XOS 10 के साथ ये फोन एंड्रॉइड 11 बेस्ड होके आया है, ब्लूटूथ है, झूठ नहीं बोलूंगा है। आते परफॉर्मेंस में, दोस्तों क्या ये फोन आपके रफ यूसेज से बच सकता है? मतलब मैं भी एक 10,000-8,000 वाला फोन यूज करने वाला ही बंदा हूं, और मुझे पता है कि मैं अपने फोन को कितना ज्यादा प्रेशर देता हूं। खैर अभी तक तो वो फोन जिंदा है, लेकिन कब मर जाए कोई ठीक नहीं। अरे साले, तो बात वही है कि क्या आपके रफ यूसेज से ये फोन बच सकता है? तो आंसर इज यस, बिल्कुल, क्योंकि इसके अंदर आपको यूनिसॉक का T610 प्रोसेसर मिलता है। अब इस प्रोसेसर को कमजोर मत समझना, क्यों? क्योंकि ये प्रोसेसर आपको नियर 2 लाख वाला एटू बेंचमार्क स्कोर देता है, और डेली लाइफ में भी इतना मतलब ठीक ठाक परफॉर्मेंस आपको दे देगा, ठीक है। लेकिन यही प्रोसेसर को अगर आप दूसरे इस प्राइस पॉइंट वाले फोनों के प्रोसेसर के साथ कंपेयर करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि जैसे कि बहुत सारे मीडियाटेक का हेलियो G35 वगैरह आता है, उनके एंथो बेंचमार्क स्कोर नियर 1 लाख होता है, लेकिन ये प्रोसेसर आपको नियर 2 लाख वाला एंथो बेंचमार्क स्कोर दे रहा, तो उस हिसाब से डबल स्कोर आपको इस प्रोसेसर में मिल रहा। खराब प्रोसेसर आप इसको नहीं बोल सकते। बाय द वे, यहां पर आपको 2 रैम वेरिएंट्स में फोन मिलता है, 3/32, 4/64, लेकिन यही 4GB फोन को आप 7GB में कन्वर्ट कर सकते हैं। पता आपको? हमको सिखा दिया है। सिखा दिया नहीं है, बता दिया है। 3GB तक रैम एक्सटेंड करने वाला फीचर भी आपको इसके अंदर मिलता है। इसी के साथ साथ LPDDR4X वाला रैम टाइप और eMMC 5.1 वाला स्टोरेज टाइप मिलता है। इसके बाद हम इसके आंखों की बात करें, तो यहाँ पर देखने से आपको 3 कैमरा लग सकता है, लेकिन है खाली 2, एक्चुअली 2 भी नहीं, 1 13+ डेप्थ सेंसर। और क्या एक्सपेक्ट करते हो भाई इस प्राइस पॉइंट में? जो जो फीचर ये फोन आपको दे रहा है उस हिसाब से तो ये कैमरा ना भी दे तब भी आप इसको कुछ नहीं बोल सकते। भाई सिर्फ कुछ ज्यादा नहीं हो गया? खैर सामने के साइड में आपको 8 मेगापिक्सल वाला सेल्फी कैमरा देखने के लिए मिल जाता है पंचोल के अंदर, और सामने पीछे दोनों साइड में आपको LED फ्लैशलाइट देखने के लिए मिलेगा। सेंसर्स की बात करें तो सारे सेंसर्स मौजूद है। जनरली इस प्राइस पॉइंट के जितने भी फोन आते हैं, बहुत सारे फोनों में क्या होता है जायरोस्कोप मिसिंग होता है, लेकिन इसमें है। इसके साथ साथ रेयर माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, फेस अनलॉक, 3.5mm फोन जैक, मोनो स्पीकर्स, ये सब कुछ भर भर के दिया गया है, आपको कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। कनेक्टिविटी फीचर की बात करूं तो यहां पर आपको डुअल 4G वोल्टी, डुअल वैन वाईफाई, वाईफाई कॉलिंग, ब्लूटूथ 5.1, ये सब कुछ मिल जाता है। हम आ चुके हैं वीडियो के एकदम आखिर में, और यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं बैटरी के बारे में। सो यहां पर आपको 6000mAh का एक मैसिव बैटरी बैकअप मिलता है, वो भी 10W के नॉर्मल चार्जर के साथ। अभी आप ही बोलो 8,500 के अंदर और क्या क्या फीचर आपको चाहिए? बड़ा डिस्प्ले दे दिया, 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट दे दिया, पंचोल दे दिया, 7GB रैम दे दिया, 6000mAh वाला बैटरी दे दिया, सारे के सारे सेंसर्स दे दिया, 3.5mm हेडफोन जैक दे दिया। अब क्या कंपनी आपके नाम कर दे? क्या जो भी है, वीडियो यही तक था। ऐसे वीडियोस और देखने तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर मस्ट है, उसके बगैर हमारा दिन नहीं चलता। मैं खाना खाए बगैर रह सकता हूं, लेकिन लाइक और सब्सक्राइब देखे बगैर नहीं। कुछ भी मुहावरा था, मुहावरा था। बाय।
की 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 की।